नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर नियो वर्सेस शाओमी रेडमी A1 प्लस का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोवर नियो में 6.74 इंच जबकि रेडमी A1 प्लस में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि पोवर नियो से कम है। विड्थ की बात करें तो पोवर नियो में 3.04 इंच जबकि रेडमी A1 प्लस में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि पोवर नियो से कम है। बात करें थिकनेस की तो पोवर नियो में 0.36 इंच जबकि रेडमी A1 प्लस में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो पोवर नियो में 212 ग्राम जबकि रेडमी A1 प्लस में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो पोवर नियो में 20:5:9 जबकि रेडमी A1 प्लस में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पोवर नियो में 6.8 इंचेस जबकि रेडमी A1 प्लस में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पोवर नियो में 720x1640 और रेडमी A1 प्लस में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पोवर नियो में 83.16% जबकि रेडमी A1 प्लस में 81.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पोवर नियो में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि रेडमी A1 प्लस में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो पोवर नियो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और रेडमी A1 प्लस की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पोवर नियो में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और रेडमी A1 प्लस की बात करें तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पोवर नियो में पावर GE8320 जबकि रेडमी A1 प्लस में पावर GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पोवर नियो में MediaTek Helio G25 और रेडमी A1 प्लस में MediaTek Helio मिलता है। बात करें रैम की तो पोवर नियो में 6 GB जबकि रेडमी A1 प्लस में 2 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पोवर नियो में 128 GB जबकि रेडमी A1 प्लस में 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पोवर नियो में अप टू 512 GB जबकि रेडमी A1 प्लस में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पोवर नियो में एंड्रॉइड V11 जबकि रेडमी A1 प्लस में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पोवर नियो में 6000 mAh जबकि रेडमी A1 प्लस में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोवर नियो 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,780 रुपीज में मिल जाता है और बात करें रेडमी A1 प्लस की तो वो 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 6,999 रुपीज में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पावर नियो में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी रेडमी A1 Plus की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पावर नियो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पावर नियो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।